मक्का हब के नाम से विख्यात पूर्णिया और आसपास के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूर्णिया के परोरा में बिहार का पहला मक्का और चावल से बनने वाली एथेनॉल फैक्ट्री खुल रही है। इससे आसपास के लाखों किसानों की बढ़ेगी खुशहाली, साथ ही सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 अप्रैल को परोरा में एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक कुल पेट्रोलियम पदार्थ की खपत का 20% एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि इस एथेनॉल को पेट्रोलियम पदार्थ में मिलाकर सस्ते दाम में बेचा जा सके। इसके लिए सरकार उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही है। इसी में पूर्णिया के परोरा में 100 करोड़ की लागत से पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ वर्मा द्वारा ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से परोरा में बिहार की पहली सबसे बड़ी मक्के और चावल से बनने वाली एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना की है। इस एथेनॉल फैक्ट्री के चीफ जनरल मैनेजर इंदीप भाटिया ने कहा कि इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके लिए प्रतिदिन 160 क्विंटल मक्का या सड़ा चावल का उपयोग होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 2.5 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। यहाँ सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। उन्होंने कहा कि सरकार की तेल कंपनियों के द्वारा एथेनॉल खरीदा जाता है, उन्हें भी अभी सिलगुड़ी में एक डिपो मिला है जहाँ वे अपना एथेनॉल बेचेंगे। उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री के बनने से मक्का हब के नाम से जाना जाने वाला पूर्णिया और सीमांचल के किसान काफ़ी खुशहाल होंगे। किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर ही मक्के और चावल का दाम मिलेगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं फैक्ट्री के टेक्निकल हेड रोशन लाल ने बताया कि इस फैक्ट्री में सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। यहाँ एथेनॉल के अलावा पशु आहार भी बनेंगे, जिसमें कैटल, फिश और फार्म फीड भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन के दौरान जो मक्का या चावल के टुकड़े से पशु आहार भी बनाया जाएगा, वहीं यहां उच्च तकनीक का लैब भी है जहां इसकी टेस्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि 15 एकड़ में एथेनॉल फैक्ट्री बनी है, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। यहां 4,000 टन अनाज रखने का भी 2 सैलो बना है। इसके अलावा एथेनॉल को स्टॉक में रखने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करते ही यहां एथेनॉल और पशु आहार का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आज आईजी सुरेश चौधरी ने भी फैक्ट्री का जायजा लिया। वहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था समेत हर तरह की व्यवस्था को देखा और तमाम निर्देश भी दिए। आईजी सुरेश चौधरी ने कहा कि इस फैक्ट्री के बनने से लेकर इस इलाके का काफी विकास होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों को काफी लाभ होगा। कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ 30 तारीख को आएंगे और फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के साथ ही फैक्ट्री में निर्माण काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर 400 से अधिक जवान लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्णिया और सीमांचल मक्का का हब माना जाता है। प्रति एकड़ मक्का उत्पादन में सीमांचल ने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया है। पूर्णिया के गुलाब बाग में एशिया की सबसे बड़ी मक्के की मंडी है। यहाँ से बड़े पैमाने पर मक्का दूसरे राज्यों और विदेशों तक जाता है। हालांकि यहाँ मक्के से जुड़ी कोई बड़ी फैक्ट्री की काफ़ी दिनों से मांग हो रही थी। इथेनॉल फैक्ट्री के बनने से इलाके के मक्का किसानों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। ये हमारा 65। ये पूर्णिया के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि बिहार का सबसे पहले ग्रेन आधारित जो इथेनॉल प्लांट है उसकी स्थापना हुई है और इसका उद्घाटन 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होने वाला है। यह प्लांट पूर्णतः ग्रेन पर आधारित है, जिसमें जो मानव उपयोग हेतु चावल या मक्का मानव उपयोग हेतु नहीं है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इस प्लांट का क्षमता जो है लगभग 65,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता है और ये प्लांट के आने से क्षेत्र में चारों तरफ विकास होगा और लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा और किसान भाइयों को अपना उपज का बेहतर दाम भी उनको मिल सकेगा। इथेनॉल के अलावा जो इसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है, DDGS बोलते हैं इसको, जो कि पशु आहार में मिलाया जाता है। जो प्रोटीन होता है, जो मक्का से या चावल से जो प्रोटीन बचेगा निकलेगा, उसको DDGS बोलते हैं हम लोग। तो वो भी बनेगा साथ के साथ और वो पशु आहार के लिए मार्केट में विक्रय किया जाएगा। छट्टी के आने से जो उनका अनाज है उसकी मांग बढ़ जाएगी। हम लगभग 165 से 170 टन अनाज जो है प्रतिदिन खरीदेंगे, तो उपज
इसका मांग बढ़ेगा, तो मांग बढ़ेगा तो बाज़ार में तो तेज़ी आने का संभावना है ही थोड़ा बहुत। यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होगा? ये सप्लाई के लिए तो ऑयल कंपनी के ऊपर निर्धारित करता है कि कौन सा डिपो हमको देते हैं, लेकिन फिलहाल जो पहला डिपो हमको मिला है वो सिलीगुड़ी मिला है। तो जो उत्पादन होगा मई के महीने में, जो भी उत्पादन होगा 30 तारीख के बाद से, वो सारा माल जो है सिलीगुड़ी डिपो जाएगा। कौन कौन कंपनी खरीदेगी? ये मुख्यतः तेल कंपनी खरीदती हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, HPCL हो गया और BPCL हो गया। तेल कंपनी को ही हम सप्लाई कर सकते हैं, वही लोग खरीदते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लगभग 100 के आसपास आदमी लगेगा इसमें। मेरा नाम इंदीप भाटिया है और मैं यहाँ पे चीफ जनरल मैनेजर हूँ। का पूरा नाम ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ प्रतिदिन हम 65,000 लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे, जो आपका मेज और ब्रोकन राइस पे आधारित है। जी, इस इलाके को जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स लेबर होता है, जो कैजुअल लेबर्स होता है, उनको रोजगार का यहाँ उनको मिलेगा। इसमें लगभग डायरेक्ट लेबर जो रहेगा 100 के आसपास रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स लगभग 50 के साथ रहेगा। हाँ, किसानों को जो MSP होता है उसके ऊपर ही जाके कहीं रेट मिलेगा किसानों को। इस फैक्ट्री का नाम ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा नाम रोशन लाल है, मैं ग्लोबल केन सुपर कंपनी से हूँ। सुरक्षा व्यवस्था हम लोग पर्याप्त है, हम लोगों ने अपने ऋण से पर्याप्त बल नियुक्ति की है और मुख्यालय से भी 400 के आसपास बल हम लोगों ने मांगा है। बल की कमी नहीं है, हम लोग ने पूरा एडजस्ट कर दिया। अभी निरीक्षण भी किया? हाँ, सारी तैयारी हो रही है और तैयारी होनी बाकी है। अभी लास्ट टच हो नहीं पाया है, लेकिन संभवतः कल तक ठीक हो जाएगा। क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम है, उद्घाटन है कार्यक्रम है और यही कार्यक्रम है। कोई विशेष भाषण की अभी तक कोई जनता को प्रेजेंट करने के बाद जो है अभी भाषण कोई प्रोग्राम है नहीं। सर, इस फैक्ट्री के लग जाने से कितना फ़ायदा होगा इस इलाके? बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि आस पास लोगों को रोजगार होगा। सबसे स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ के लोगों का खासकर मक्का का, जो मक्का के कारण जाना जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।